नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे एग्स के होलसेल बिजनेस के बारे में और जानेंगे कि आप अंडे का होलसेल का बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास कितने इन्वेस्टमेंट होने चाहिए और कितना स्पेस होना चाहिए, यानी आपके पास कितने बड़ी शॉप होनी चाहिए या गोडाउन होना चाहिए, और इस बिजनेस के लिए आपको किस किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी। और दोस्तों, साथ ये भी जानेंगे कि यदि आप अंडे का होलसेल का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको अंडे कहाँ से खरीदने हैं और कहाँ पर आपको अंडे बेचने हैं और इसके अंदर आपको प्रॉफिट कितना होगा, यह सब बात जानेंगे दोस्तों वीडियो के अंदर। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं अंडे के बारे में। तो दोस्तों, अंडे की बात करें तो अंडे को प्रोटीन, कैल्शियम और ओमेगा 3 फैटी एसिड का सबसे अच्छा सोर्स माना जाता है। इसके अंदर दोस्तों प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होता है और कैल्शियम होता है, और इन दोनों चीज़ों की हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा जरूरत होती है, इसलिए बहुत ज़्यादा लोग अंडे का सेवन करते हैं। और आज बहुत सी ऐसी डिशेज हैं जिनके अंदर अंडे का इस्तेमाल होता है, इसलिए दोस्तों आज जितने भी रेस्टोरेंट है, फास्ट फूड कैफे है, होटल है, सभी के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में अंडे का इस्तेमाल हो रहा है और इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। और दोस्तों, WHO की एक रिपोर्ट के अनुसार अंडे के प्रोडक्शन के अंदर भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है, और आने वाले कुछ साल के अंदर दोस्तों भारत पहला नंबर पर आने की पूरी पूरी संभावना है, क्योंकि दोस्तों जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी वैसे वैसे अंडे की डिमांड बढ़ेगी, इसके लिए दोस्तों प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। और दोस्तों, अंडे के बिजनेस की बात करें तो आज यह बिल्कुल सही बिजनेस है और इस बिजनेस के अंदर अच्छे खासे पैसे कमाए जा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इस बिजनेस की अच्छी डिमांड है और इसके अंदर प्रॉफिट भी अच्छा खासा है। इसलिए दोस्तों, यदि कोई भी पर्सन यदि छोटी सी इन्वेस्टमेंट के साथ कोई बिजनेस एस्टैब्लिश करना चाहता है तो अंडे का बिजनेस स्टार्ट कर सकता है और अच्छे खासे पैसे कमा सकता है। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों, आप अंडे का बिजनेस कितने प्रकार से स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें, आप अंडे का बिजनेस तीन प्रकार से स्टार्ट कर सकते हैं। एक तो दोस्तों आप लेयर फार्मिंग का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, इसके अंदर आप अंडे का प्रोडक्शन करेंगे। और दूसरा दोस्तों, आप अंडे का होलसेल का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, इसके अंदर दोस्तों आप लेयर फार्मिंग से अंडे उठाकर रिटेलर को बेच सकते हैं। और तीसरा दोस्तों, आप अंडे का रिटेल का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ये तीन प्रकार के बिजनेस दोस्तों जो आप कर सकते हैं, और इन सभी के अंदर आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको अंडे का होलसेल का बिजनेस के बारे में बताएंगे और इसके अंदर बताएंगे आपको कितनी इन्वेस्टमेंट होगी और कितना आपको इसके अंदर प्रॉफिट होगा। दोस्तों, यदि आप लेयर फार्मिंग के बिजनेस के बारे में जानना चाहते हैं या रिटेल के बिजनेस के बारे में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, हम इसके ऊपर अलग से वीडियो आपको अवेलेबल करा देंगे। अब बात करेंगे दोस्तों, यदि आप अंडे का होलसेल का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो इसके अंदर आपको किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों, यदि आप अंडे का होलसेल का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपके पास एक शॉप होनी चाहिए और एक छोटा सा गोडाउन होना चाहिए, और इसके साथ दोस्तों शॉप के अंदर अच्छी बिजली की और पानी की व्यवस्था होनी चाहिए और एक व्हीकल होना चाहिए। इसके साथ दोस्तों आपके पास एक या दो हेल्पर होने चाहिए और आपकी शॉप का GST नंबर होना चाहिए। इन सभी चीज़ों के साथ दोस्तों आप अंडे का होलसेल का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों, यदि आप एग्स का होलसेल का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको इसके अंदर कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। तो दोस्तों, इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन्वेस्टमेंट आपकी शॉप और आपके व्हीकल के ऊपर डिपेंड करेगी, क्योंकि दोस्तों यदि आपके पास खुद की शॉप है और खुद का व्हीकल है तो आप थोड़े से रुपए के अंदर यह बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यदि आप शॉप और व्हीकल खरीदते हैं या फिर किराए पर लेते हैं तो आपको इसके अंदर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। दोस्तों, यदि आपके पास खुद की शॉप है और खुद का व्हीकल है तो आप आसानी से 40 से 50 हज़ार रुपये के बीच यह बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यदि आप दोनों चीज किराए पर लेते हैं या फिर खरीदते हैं तो आपको इस बिजनेस के अंदर लगभग 80,000 से 1,00,000 रुपए के बीच इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तभी आप यह बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और अच्छे पैसे कमा सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, यदि आप एग्स का होलसेल का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको कितने स्पेस की जरूरत पड़ती है, यानी आपके पास कितनी बड़ी शॉप होनी चाहिए और कितना बड़ा गोडाउन होना चाहिए। तो दोस्तों, आपको इस बिजनेस के अंदर ना तो बड़ी ज्यादा शॉप की जरूरत पड़ती और ना ही बड़े गोडाउन की जरूरत पड़ती। आप 100 से 150 स्क्वायर फीट के अंदर एक शॉप बनाइए और 200 से 300 स्क्वायर फीट के अंदर एक अच्छा सा गोडाउन बनाइए। दोनों चीजों को मिलाकर दोस्तों, यदि आपके पास 300 से 450 स्क्वायर फीट जमीन है तो आप आसानी से अंडे का होलसेल का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यदि आप बड़े स्टॉक के साथ बड़ा बिजनेस एस्टैब्लिश करना चाहें तो थोड़ी सी आपको ज्यादा जमीन की जरूरत पड़ेगी, उसके अंदर आपको ज्यादा बड़ा गोडाउन बनाना पड़ेगा। अब बात करते हैं दोस्तों, यदि आप एग्स का होलसेल का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको अंडे कहां से खरीदने हैं। तो दोस्तों, यदि आप एग्स का होलसेल का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा मात्रा में अंडे की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि दोस्तों आप रिटेलर को अंडे पहुंचाएंगे, इसलिए आपके पास अच्छा स्टॉक होना चाहिए और बहुत ज्यादा मात्रा में अंडे होने चाहिए। तो दोस्तों, आपको एक ऐसी जगह से अंडे खरीदने हैं जहां पर सस्ते रेट में आपको अंडे मिल जाए। तो दोस्तों, ऐसी जगह एक ही है, आप लेयर फार्मिंग से कॉन्टेक्ट करें और आप अपने एरिया के अंदर जितने भी लेयर फार्मिंग है उनसे जाकर चेक करें कि आपको सस्ते रेट में अच्छी क्वालिटी का अंडा कहां मिलेगा। आप उसी को अपना सप्लायर बनाएं और वहीं से आप सस्ते रेट में अंडे उठाएं। लेकिन दोस्तों, आप ध्यान रखें, आपको अच्छी क्वालिटी का अंडा उठाना है और वो भी सस्ते रेट में, इसलिए आपको सभी जगह जाके चेक करना पड़ेगा कि आपको अच्छी क्वालिटी का अंडा कहां पर मिलेगा।
अब बात करते हैं दोस्तों, यदि आप एग्स का होलसेल का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको इसके अंदर प्रॉफिट कितना होगा। तो दोस्तों प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट आपके अंडे के प्राइस के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप लेयर फार्मिंग से कितने रुपए के अंदर अंडा खरीद के लेके आ रहे हैं। दोस्तों यदि आप किसी नॉर्मल लेयर फार्मिंग से अच्छी क्वालिटी का अंडा खरीदना चाहें तो लगभग आपको 3 से 3.5 रुपए के बीच अंडा मिल जाएगा, जिसे आप रिटेलर को 5 रुपए में बेच सकते हैं। इसी हिसाब से दोस्तों आपको प्रति अंडा लगभग 1 से 1.5 रुपए प्रॉफिट होगा और आपको 1000 अंडे के ऊपर लगभग 1500 रुपए प्रॉफिट होगा। और आप दिन भर में यदि 2000 अंडे सेल करते हैं तो आपको प्रतिदिन 3000 रुपए का प्रॉफिट होगा और इस हिसाब से प्रति महीना आपको लगभग 90000 रुपए का प्रॉफिट इस बिजनेस के अंदर हो सकता है। दोस्तों आपकी सेलिंग के ऊपर ये आपका प्रॉफिट डिपेंड करेगा कि आप प्रतिदिन में कितने अंडे सेल कर पाते हैं। जितने अंडे दोस्तों आप सेल कर पाएंगे उतना ज्यादा आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन दोस्तों आपको बता दें, सभी लेयर फार्मिंग के अंदर अंडे का प्राइस अलग अलग होता है। दोस्तों कहीं आपको 4 रुपए का भी अंडा मिलेगा, कहीं आपको 3 रुपए का अंडा भी मिल सकता है। इसलिए दोस्तों हमने आपको 3 से 3.5 रुपए के बीच प्राइस बताया है, आपको इस प्राइस के अंदर अच्छी क्वालिटी का अंडा मिल जाएगा। तो दोस्तों आप एक अच्छी लेयर फार्मिंग से कॉन्टेक्ट करें, वहां से आपको अच्छी क्वालिटी का अंडा सस्ते रेट में मिल जाएगा और आप इस बिजनेस के अंदर अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, यदि आप अंडे का होलसेल का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपकी लोकेशन कैसी होनी चाहिए। तो दोस्तों आपको बता दें, होलसेल बिजनेस के अंदर लोकेशन इतनी मैटर नहीं करती, क्योंकि आपको रिटेलर को माल सप्लाई करना है। तो रिटेलर यदि आपकी लोकेशन एक बार देख ले तो आसानी से रिटेलर आप तक पहुंच जाएंगे। आपको ज्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाके के अंदर शॉप ओपन करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों आपको एक ऐसी लोकेशन देखनी है जहां पर आपको सस्ते रेट में शॉप मिल जाए, सस्ते रेट में गोडाउन मिल जाए और आपका माल आसानी से आपकी शॉप पर पहुंच जाए और आपके कस्टमर भी आसानी से आपकी दुकान तक पहुंच जाए। तो दोस्तों ऐसे आप अंडे का होलसेल का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। दोस्तों यदि आप इस बिजनेस के बारे में और ज्यादा विस्तार से पढ़ना चाहते हैं या आपको वीडियो के अंदर कुछ समझ नहीं आया तो आप हमारी वेबसाइट से इसके बारे में विस्तार से पढ़ सकते हैं। दोस्तों वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। और दोस्तों यदि आप लेयर फार्मिंग के बारे में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, हम उसके लिए आपको अलग से वीडियो अवेलेबल करा देंगे। तो दोस्तों यदि आपका इसके बारे में कोई भी सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और किसी बिजनेस या फ्रेंचाइजी से संबंधित जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।